अगर लक्ष्य साफ हो तो उसे हासिल करने के रास्ते में कोई बाधा या अड़चन नहीं आ सकती। एकलव्य की कहानी तो आपने सुनी ही होगी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महाभारत के एकलव्य की, जो द्रोणाचार्य की प्रतिमा को गुरु मानकर धनुर्विद्या में पारंगत हुए और सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी बने। उनके साथ बाद में क्या हुआ ये कहानी अलग है, लेकिन एकलव्य ने बिना गुरु के उनकी प्रतिमा से ही युद्ध कला की शिक्षा हासिल कर ली। फुटपाथ पर लगा ये पुस्तकों का बाजार, ये पुरानी सी दिखने वाली पुस्तकें, सड़क किनारे पढ़ते छात्र, ये पुस्तकें नहीं, ज्ञान की पथ प्रदर्शक है। ये है इलाहाबाद विश्वविद्यालय के बाहर फुटपाथ पर लगने वाला पुस्तक बाजार, और यहाँ अपने लिए पुस्तक ढूंढते इन छात्रों में आपको कोई भविष्य का आईएएस, पीसीएस, बैंक अधिकारी और क्लर्क दिखेगा। मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग के लिए ये बाजार उनके भविष्य की उड़ान को दर्शकों से परवास दे रहा है, और ना जाने कितने ही एकलव्य इन पुस्तकों से अपनी मंजिल पा रहे हैं। जैसे मध्यम वर्ग के लोगों के लिए अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक अत्यंत ही सस्ते दामों में किताबें मिल जाती है। अगर वहीं हम दुकान पर लेने जाते हैं तो हमें वही दुगने या तिगने दामों में मिलती है, जो कि यहाँ पे हमें आधे से भी कम दाम में मिल जाती है। जहाँ इसी इस वजह से हम लोग यहाँ पे बुक लेने आते हैं, और इसी खर्चे को बचा करके ही और पैसे के जो बचते हैं हम सो बुक वगैरह से, इसे हम लोग कहीं और इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पढ़ने आए हैं। आईएएस की फैक्ट्री माने जाने वाले इलाहाबाद के लिए ये पुस्तक बाजार किसी ज्ञान के भंडार से कम नहीं है। नौवीं से लेकर इंटर और हर विषय में ग्रेजुएशन की किताबें हों या फिर आईएएस से लेकर ग्रुप डी तक की प्रतियोगिता की पुस्तकें, सभी यहां बहुत ही सस्ते दामों में मिल जाती है। और यही नहीं, पुस्तक विक्रेता छात्रों के पास अगर कुछ पैसे कम भी हों तो भी पुस्तकें दे देते हैं। यहाँ 9 क्लास से लेकर आईएएस पीसीएस तक की किताबें तैयारी की मिलती हैं, कोर्स के 9 की, 10 की, 11, 12, इंटर, बीए, बीएससी, बीकॉम। लोग क्यों आते हैं यहाँ पे? सस्ती की वजह से। अगर इलाहाबाद में रोड पे दुकान ना हो तो गरीब लड़के पढ़ नहीं सकते, इसलिए दुकान पे इतनी महंगी किताब मिलती है घर की बस की बात नहीं ना, इससे लड़कों का बहुत भला होता है यहाँ पे। इन्हीं पुस्तकों को पढ़कर श्रद्धा गुप्ता ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा पहली बार में ही निकाल ली, और इसका पूरा श्रेय वो विश्वविद्यालय के बाहर लगने वाली पुस्तक बाजार को देती है। मेरा चयन हाल ही में जो रिजल्ट आया है 2018 के उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का, उसमें खंड विकास अधिकारी के पद पर चयन हुआ है, तो मेरा उसमें बहुत ज़्यादा योगदान रहा है इन किताबों का, जो फुटपाथ पर हमारे यूनिवर्सिटी रोड के सामने मिलती हैं हमें, जहाँ संसाधनों का अभाव हम लोग झेल रहे थे मध्यवर्गीय परिवार के होने के नाते, तो ऐसी दशा में ये किताबें कम मूल्य पर उपलब्ध थी और ये काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद साबित रही, और इन्हीं की सहायता से हमने इस परीक्षा में प्रथम प्रयास में ही सफलता अर्जित की है। 60 दिन में अंग्रेजी सीखना हो या उपन्यास पढ़कर कल्पना की उड़ान भरनी हो या फिर साहित्यिक किताबें पढ़कर लेखक या साहित्यकार, हर विषय पर ज्ञान यहाँ बिखरा पड़ा है। बस जरूरत है उस ज्ञान को पाने वाले की, क्योंकि पुस्तकें पुरानी हो तो क्या हुआ, ये पुस्तकें ज्ञान का प्रकाश तो आज भी उतना ही या उससे भी ज्यादा फैला रही है।